एक बार ये भी बताओ कि अगोरीज की बात हो रही है तो इनके पास कुछ स्पेसिफिक इतना इतनी इतने मंत्र जाप करते हैं वो इतनी साधना करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक पावर्स भी उनके पास आती हैं और अगर आती हैं तो किस तरह की आती हैं मतलब किस लेवल तक वो अपने माइंड को ले जा सकते हैं थोड़ा वो बताओ किस्सा मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ जो गुजरात के एक इंसान का था उनका नाम था मोहनलाल लाल अग्रवाल और गुजरात में ही मैं पला बड़ा और उन्हीं के साथ उन्हीं के ज्ञान की कृपा से आज मैं ये चीज़ आपको बता पा रहा हूँ वो एक ऐसे अघोरी के संपर्क में आए थे जिन्होंने अघोर क्रियाओं के थ्रू अपना प्रतिशोध लिया था मूल घटना ये थी प्रतिशोध मतलब बदला रिवेंच सो मूल घटना ये थी कि जो अघोरी थे उनसे वे मिले और हमारे वहाँ पे चोटीला नाम का एक पर्वत है जहाँ पे माँ चामुंडा विराजमान है माँ चामुंडा आदि पराशक्ति का एक स्वरूप है जो दैत्यों के सामने जिन्होंने चंड और मुंड का वध किया था। तो वहां का जो एक क्षेत्र है ना जो प्रदेश है वो बहुत ही ज्यादा सिद्ध क्षेत्र माना जाता है ऐसा ही एक क्षेत्र वहां पे गिरनार और गिरनार पे स्वयं भगवान दत्तात्रेय विराजमान है भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का अवतार माना जाता है तीन चोटी है वहां पर तीन शिखर आप कह सकते हो जहाँ पे एक शिखर पे एक चोटी पे स्वयं भगवान दत्तात्रेय दूसरे शिखर पे बाबा किनाराम, जो हमारे यहाँ के भारत के आज से 400 साल पहले के महानतम अघोरी हो चुके उनका एक शिखर और जो तीसरा शिखर है वो है स्वयं गुरु गोरखनाथ का तो चोटीला गिरनार ये सारा जो एक क्षेत्र है ना वो एकदम आसपास में है और जंगलों से घिरा हुआ है इतना इतने बड़े बड़े पहाड़ है वहाँ पे कि आपको अगर चढ़ना हो आपको अगर उसे पूरा एक्सप्लोर करना हो आज की तारीख में भी कोई नहीं कर पा रहा इतना ज़्यादा गाढ़ इतना ज़्यादा गूढ़ वो माना जाता है पूरा उसी क्षेत्र में ये अघोरी थे और उनका मिलना हुआ मोहनलाल अग्रवाल से जिनके ज्ञान की मैं आज पूरी बात कर रहा हूँ जिनका ये किस्सा मैं बता बता रहा हूँ आज की तारीख में और उनका नाम था बाबा प्रयाग भारती वो पहले अघोर क्रिया करते थे बाद में वो नागा साधु बने तो मोहनलाल अग्रवाल जब प्रयाग भारती को मिले बापू प्रयाग भारती को तब उन्होंने ये अपना पूरा पूर्वाश्रम बताया आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये जो प्रयाग भारती बापू थे नागा संत वो अपने पूर्वाश्रम में यानी कि दीक्षा लेने से पहले एक एडवोकेट थे वकील थे वो अपना एक केस लड़ रहे थे बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस था उत्तर प्रदेश का ही वॉज़ फ्रॉम प्रयागराज जो उस समय पे यानी मैं बात कर रहा हूँ आज से सात डिकेड पहले की hmm. उस समय पे अलाहाबाद उसका नाम था राइट अलाहाबाद से वो थे और वहीं पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे लॉ की वो जिस पार्टी के खिलाफ केस लड़ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुन्शल पार्टी थी और इनके खिलाफ ये अपने जिनका नाम था वेद प्रकाश शर्मा जो बाद में प्रयाग भारती बने लेकिन पूर्वाश्रम का नाम दीक्षा के पहले का नाम था उनका वेद प्रकाश शर्मा जब ये केस वो अपना जीत रहे थे उस वक्त पे उनकी जो नेगेटिव पार्टी थी सामने वाली पार्टी थी उनको लगा कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया ना तो हम लोग ये केस हार जाएंगे तो वेद प्रकाश को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए उनको हानि पहुंचाने के लिए सामने वाली पार्टी ने वेद प्रकाश जी की वाइफ का बलात्कार किया उनका रेप किया चार लोगों ने मिलकर और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुंसल लोग थे उनकी पत्नी का जिस तरीके से जिस हैवानियत के साथ रेप किया गया ना वो मैं यहाँ पे बता तक नहीं सकता इस घटना के थोड़े ही दिनों में उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया और दो बच्चे थे उनके वेद प्रकाश को लगा कि शायद मैं लीगली जीत पाऊँगा उन्होंने कोर्ट में जाकर सारी चीज़ें लड़ने की कोशिश की लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से और जैसे आज की तारीख में भी कुछ इन्फ्लुएंसर लोग पैसे के माध्यम से ऐसी चीज़ों के माध्यम से जीत जाता है केस वैसे ही उस समय के अलाहाबाद में ये लोग जीत गए वेद प्रकाश के अंदर प्रतिशोध की अग्नि रिवेंज का जो भाव था बदले का भाव था वो इतना प्रबल था इतना ज़्यादा इंटेंस था कि उन्हें कुछ भी करके बदला चाहिए था उन्होंने ये तरीका अपनाया कि मैं तंत्र विद्या का उस माध्यम के जरिए मैं बदला लूँगा उनके एक पहचानने वाले थे कामाक्षी मतलब कामाख्या मंदिर जो है आसाम गुवाहाटी में वहाँ पे उनके एक पहचानने वाले रहते थे जो तंत्र क्रिया करते थे वे उनके पास गए वेद प्रकाश शर्मा और कहा कि मुझे तंत्र सिखाओ मुझे उग्र विद्याएँ सीखनी है जिनके माध्यम से मैं प्रतिशोध ले पाऊँ उन्होंने कहा कि मेरे गुरु हैं आप उनके पास जाइए नीलांचल पर्वत में यानी कि कामाख्या के आसपास एक क्षेत्र में उनके गुरु रहते थे तो वेद प्रकाश जी उनके पास गए और पूछा कि क्या आप मुझे सिखाएंगे तंत्र विद्याँ मुझे ऐसे विद्या आप सिखाओ जिनके माध्यम से मैं प्रतिशोध ले पाऊँ और वो जो इंसान है वो जो चार लोग हैं वो सिर्फ इस जीवन में ही नहीं वो जब प्रेत योनि में जाए जब उनका देह त्याग हो जाए उसके बाद भी उनको पीड़ा हो मुझे इतना ज़्यादा इंटेंस बदला चाहिए तो उन्होंने पूछा कि आप श्योर हो कि आपको ये करना है क्योंकि आप जिस मार्ग के ऊपर जा रहे हो वहाँ से कोई कम नहीं है फिर आप वापस नहीं आ पाओगे एक बार अगर आपने चलना शुरू कर दिया तो बात ख़त्म उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे चलना है आप मुझे सिखाओ एक दिन डिसाइड हुआ एक दिन तय हुआ जहाँ पे जो उनके गुरु थे वे उनको दीक्षा देने वाले थे मंत्र दीक्षा उनका नाम था उदयनाथ जी गुरु का नाम और शमशान में जब वो गए तब वो जो शमशान था ना वो इतना ज़्यादा वहाँ पे कोई चिता नहीं जलती थी तो शमशान की जो एक एक पहचान होती है ना वो काफ़ी समय से लुप्त हो चुकी थी वहाँ पे तो उसे वापस से शमशान के तौर पर स्थापित करना ज़रूरी था तो उदयनाथ जी ने प्रयाग भारती के साथ मिलकर मतलब गुरु और शिष्य ने मिलकर बहुत ही कामाख्या के जो सिद्ध शमशान है वहाँ से राख शमशान की राख मिट्टी और जली हुई हड्डियाँ ये लाकर जो नया स्मशान था जो नई नई जगह पे वो जो विधि करने वाले थे जहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने शमशान को स्थापित किया नए सिरे से इन्वोक करा गया शमशान को सारी शमशान की जो ऊर्जाएँ रहती है जो एनर्जीज रहती हैं उनको इन्वोक किया गया विधि शुरू हुई विधि शुरू होने से पहले उदयनाथ जी ने इनको कहा वेद प्रकाश जी को कि आप दिगंबर हो जाइए दिगंबर यानी नग्न अपने कपड़े उतार दीजिए गुरु ने भी अपने कपड़े उतार दिए दिगम्बर होके वो दोनों शमशान में गए और उदयनाथ जी ने आकर्षण क्रिया आकर्षण विद्या की मदद से गांव में से एक भैंसे को बुला लिया महिष को जो एक राक्षस था हमारे यहाँ पे महिषासुर वो जो महिष होता है उसे उसको बोला जाता है भैंसा हमारे यहाँ पे तो आकर्षण क्रिया ये होती है कि जब आपके पास ये विद्या होती है आकर्षण विद्या आकर्षण क्रिया तब आप कोई भी पशु या फिर पंछी प्राणी आप उनको अपनी विद्या की मदद से बुला सकते हो जब आप जहाँ पर भी बैठे हो आपने अगर किसी का स्मरण कर दिया कि मुझे भैंसा यहाँ पे चाहिए मुझे गाय यहाँ पे चाहिए मुझे ये पंछी यहाँ पे चाहिए मुझे ये पशु यहाँ पे चाहिए मुझे शेर यहाँ पे चाहिए तो वो भी आपकी बात मानकर कर वहाँ पर आ सकता है अपने आप आ जाते हैं अपने आप आ जाते हैं इंसान पे भी वर्क करता है बिल्कुल करता है बहुत सारी चीज़ें वही तो अभिचार क्रिया के बारे में जब हम ये शूट होने शुरू होने से पहले बात कर रहे थे वशीकरण से लेकर बहुत सारी चीज़ें करी जाती है षटकर्मा जिन्हें कहा जाता है तो वो इंसान के ऊपर लागू किया जाता है ये आकर्षण क्रिया पशुओं के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर करी जाती है कमिंग बैक टू द पॉइंट तो महिष को बुलाया गया गाँव में से मतलब भैंसे को बुलाया गया और विधि शुरू हुई दोनों दिगंबर थे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस विधि थी वहाँ पे यज्ञ कुंड प्रज्वलित था उसमें उदयनाथ जी और वेद प्रकाश शर्मा दोनों आहूतियाँ डाल रहे थे और इतने उग्र मंत्रोच्चार हो रहे थे कि आपको ऐसा लगे कि वहाँ पे कोई तूफान आ चुका है बहुत ही ज़्यादा अलग प्रकार की उग्र ऊर्जाओं को उग्र एनर्जीज़ को इन्वोक किया जा रहा था और जब ये सारी चीज़ें होती है ना तब पूरे शमशान के अंदर हाहाकार मच जाता है ऐसी ऐसी आवाज़ें आती है भूत प्रेत पिशाच ये सारी जो नेगेटिव एनर्जीज होती है जो गण माने जाते हैं अलग अलग भगवान के महादेव के गण माने जाते हैं वे आके अपना प्रभाव अपना इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू करते हैं उस वक्त पे हुआ ये कि ये सारी चीज़ें शुरू हुई और उदयनाथ जी ने प्रयाग भारती को यानी उनका जो पूर्वाश्रम का नाम था वेद प्रकाश शर्मा उनको रोक दिया कि आप बलि आप आ, आहुति रोक दो अब मैं आहुति देता हूँ सिर्फ और उन्होंने विधि शुरू होने से पहले एक तीक्ष्ण खड़ग यानी तलवार वहाँ पे रखी थी बलि के हेतु जब उदयनाथ जी ने बलि देना सॉरी आहुति देना शुरू किया तब वो आहुति इतना उग्र इतना ज़्यादा उग्र होती गई कि अचानक से वेद प्रकाश शर्मा के बॉडी के अंदर उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक uh, शॉक उसे लग रहा हो बिजली का झटका उसे लग रहा हो इस तरीके का पूरा उसको फील आने लगा इंटेंसिटी के साथ और वो अपना अपने जगह के ऊपर से खड़ा हुआ बंदा और खड़े होके खड़े होने के बाद उसने अपना जो खड़क था वो हाथ में लिया उस खड़क के ऊपर उसने अपना रक्त लगाया काट के और फिर उसी खड़ग से एक ही झटके में वो जो महिश वहां पे खड़ा था जो भैंसा खड़ा था उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया और वो जो मस्तक उसने अलग किया वो गिर कर चंड चंड भैरव भैरव की की पे स्थापना गई थी अष्ट क्षेत्रपाल हमारे जो आठ भैरव है उनमें से एक भैरव है जिनका नाम चंड भैरव आठ भैरव के बारे में भी बता सकते हो हाँ साथ हाँ बिल्कुल हाँ, अशितांग भैरव उन्मत भैरव चंड भैरव कपाली भैरव पूरे आठ तरीके के भैरव होते हैं जिनका जिनका इनोकेशन करा जाता है क्षेत्रपाल यानी कि गार्ड आ, गार्डियन के तौर पर कुछ डिवाइन एंटिटीज को गार्ड करने के लिए फॉर एग्जाम्पल कामाख्या जो क्षेत्र है माँ कामाख्या उनके जो क्षेत्रपाल है वो उमानंद भैरव है फिर हमारे जो काशी विश्वनाथ है वहाँ पे काल भैरव उस क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं तो जहाँ पे भी ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे भी माँ डिवाइन एंटिटीज़ की स्थापना की गई है वहाँ पे हमेशा अष्ट क्षेत्रपाल को क्षेत्रपाल यानी कि भैरव के एक स्वरूप को स्थापित किया जाता है एज अ गार्ड एज अ गार्डियन डिवाइन गार्डियन तो ये चीज़ें हुई और जो मस्तक काटा था वो काट के गिरा पूरा चंड भैरव के आसन के पास जो उन्होंने पूरा विधि के समय पे चंड भैरव को आह्वान देने के लिए उनको इन्वोक करने के लिए वहाँ पे स्थापित किया था मस्तक वहाँ पे गिरा और सारी चीज़ें हो गई उसके बाद आ, वो जो उदयनाथ जी थे गुरु उनके उन्होंने खड़े होकर अपने शिष्य को वेद प्रकाश शर्मा को उस मस्तक के ऊपर बैठाया उन्होंने अपना हाथ रखा उनके मस्तक के ऊपर और मंत्र की दीक्षा दी जो चंड भैरव का जो मंत्र रहता है मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा क्योंकि गुप्त माना जाता है वो चीज़ तो उनकी दीक्षा दी गई मंत्र की और ये कहा गया कि आपको अगले तीन महीने तक चंड भैरव की साधना करनी है तीव्र तंत्र साधना उग्र तंत्र साधना और तब से उनका नाम हुआ आ, बालकनाथ प्रयाग भारती बाद में पड़ा जो उदयनाथ ने तो जो दीक्षा दी वो दीक्षा देने के बाद उनका जो नाम दिया गया वो था बालकनाथ जी और ये नाम का भी बहुत ही एक डीप मीनिंग रहता है कोई भी गुरु अपने शिष्य को ऐसे ही नाम नहीं दे देता उनका उनके जो ग्रह नक्षत्र रहते हैं उनके जो जन्म के नक्षत्र रहते हैं उनकी जो कुंडली होती है उनका एक अकड़म चक्र रहता है जिसके ऊपर से पूरा नाम और कौन सी साधना आपके लिए फलीभूत होंगी कौन सी सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो सकती है कौन से मंत्र का झाँप करने से ये चीज़ों का ज्ञान आपको एक पूरा गुरु उसका एक, एक एवल्यूशन करता है और वो एक उस जब वो एक, आप कह सकते हैं कि वो जांच ख़त्म हो जाए उसके बाद गुरु तय करता है कि इसको कौन सा नाम दिया जाए हाँ तो भाई पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से ज़रा थोड़ी अपनी ऐप के बारे में बात कर लेता हूँ रियल इलेवन यहाँ पे आपको बहुत इजी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और आप जीत सकते हो लाखों में दबा दब पैसा अब जैसे आपको पता है कि भाई इंग्लैंड और आयरलैंड का पहला ओडियाई मैच होने वाला है तो यहाँ बहुत आसान सवाल का जवाब दो कि भाई जैसे कि मैच आयरलैंड जीतेगी या फिर इंग्लैंड और यहाँ पे अपने हिसाब से स्लॉट और अमाउंट सेलेक्ट करो और बनाओ दवा दब पैसा डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई जरूर डाउनलोड कर लेना हर एक व्यूअर से कह रहा हूँ दवा दप पैसा बनाओ यहाँ जाके ठीक है चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं तो उदयनाथ जी ने उनको नाम दिया बालकनाथ अब वेद प्रकाश भारती वेद प्रकाश शर्मा बन चुके हैं बालकनाथ नाथ ठीक है? उनको बोला गया कि चंड भैरव की साधना शुरू करो पूरी विधि विधान के साथ पूरा बताया गया थोड़े ही दिनों में उन्होंने चंड भैरव की साधना शुरू की वो साधना के दौरान दस दिन तक तो सभी चीज़ें सही चली एकदम ठीक चली दस दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी कुछ नहीं था अचानक से ग्यारहवा दिन के बाद उनका स्पाइन दुखना शुरू हो चुका था वो बैठ नहीं पा रहे थे कुछ नहीं कर पा रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी साधना रोकी नहीं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए वैसे वैसे साधना उग्र होती जा रही थी तीव्र होती जा रही थी और एक समय ऐसा आया जब शमशान के अंदर बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच उनका हाहाकार बढ़ने लगा जब वो रात में साधना करते थे उस वक्त पे उनको आवाज़ें सुनाई देती थी बिजलियाँ कड़कने लगती थी और उन्होंने ये बात जब अपने गुरु को बताई उदयनाथ जी को तब उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है चंड भैरव के प्रागठ्य का आप कल तैयार रहना चंड भैरव को आप नैवेद्य देना होगा आपको नैवेद्य देने के बाद क्या क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी ध्यान से सुनेगा अगर इसमें कोई भी चूक हुई कोई भी गलती हुई तो प्राण का खतरा हो सकता है जान का खतरा हो सकता है जो दिन आया रात जो पूरी साधना वास्तव में जब चंड भैरव प्रकट होने वाले थे जिस दिन पे अचानक से बालक जी समाधि में चले गए वो इतने ज़्यादा डीप चले गए अपने आप के अंदर साधना करते करते कि उनको आस के वातावरण का कुछ बोध ही नहीं रहा ही नहीं रहा वो अपने अस्तित्व से अनभिज्ञ बन गए अनजान बन गए सुबह उनको होश आया मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सो गए थे सोए नहीं थे समाधि में चले गए थे सुबह वो जब समाधि में से बाहर आए तब उनको बहुत पछतावा हुआ कि मेरे पास सिर्फ एक मौका था मेरा बदला लेने का और मैं वो भी चूक गया बिलक बिलक कर रोने लगे उदयनाथ जी उनके गुरु शमशान में आए और देख लिया उन्होंने पता चल गया कि ये पूरी विधि जो थी वो निष्फल साबित हुई है उन्होंने कहा उदयनाथ जी ने कहा कि कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ें होती है आपके साथ अगर आप चाहते हो तो आपके बदले मैं उनसे प्रतिशोध ले लेता हूँ मैं ही उनको ख़त्म कर डालता हूँ और ये चीज़ बालकनाथ के समान के ऊपर असर कर गई उनके ईगो को लग गई उन्होंने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए गुरु जी अब करूँगा तो मैं ही मैं अपना बदला स्वयं लूँगा आज रात या तो मेरी जान जाएगी या मैं चंड भैरों को सिद्ध करूंगा गुरु ने बोला तथास्तु फिर से रात आई और चीज़ें शुरू हुई साधना शुरू हुई गुरु ने क्रियाएँ बोली थी कि जब बाबा प्रकट हो उस समय पे क्या क्या चीज़ें करनी है कैसे करनी है उनको नैवेद्य भोग कैसे धराना है पूरा ये चीज़ें हुई अब बीच रात मतलब मध्य रात्रि तक सारी चीजें चली और अचानक से जो भैंसे का मस्तक था जिसके ऊपर ये सारी क्रियाएं करी जा रही थी उसमें से धुआं निकलने लगा चंड भैरव के प्रागट्य का समय आ चुका था और धीरे 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 जैसे मंत्र जाप आगे बढ़ते गए थोड़ी ही क्षणों में भैरव प्रकट हो गए चंड भैरव उग्र स्वरूप एक हाथ में खड़ग दूसरे हाथ में कपाल खप्पर और कोई सामान्य इंसान कोई व्यक्ति उन्हें देखे तो देखते ही मर जाए इतना तीव्र उग्र और विकराल भयावह स्वरूप था उनका क्योंकि तीन प्रकार की साधनाएं होती है सात्विक राजसिक और तामसिक काफी लोग अपनी प्रकृति के अनुसार साधना का चयन करते हैं तंत्र में जैसे दक्षिणाचार तंत्र वामाचार तंत्र होते हैं वैसे ही साधनाएं भी अलग अलग प्रकार की करी जाती हैं तो उसमें से आपकी जो प्रकृति आपके गुरु को पता लगती है कि ये प्रकृति के इंसान को इस प्रकार की साधना कर सकते हैं काफ़ी लोग जब मैं ये बातें करता हूँ तब बुरा मान जाते हैं कि आप भगवान को ऐसे क्यों पोट्रे कर रहे हो भगवान तो पूर्ण होते हैं ममता पूर्ण होते हैं वो कभी अपने बच्चे को डराते नहीं हैं वो माता पिता के स्थान पर होते हैं लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जब हम उग्र स्वरूप की बात कर रहे हैं तब उग्र स्वरूप सल्यपूर्ण नहीं है वो तामसिक ही होंगे क्योंकि आपने साधना तामसिक तरीके से ही की है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप तामसिक स्वरूप से ये एक्सपेक्ट कर पाओ कि ये आकर मेरा सिर पुचकारेंगे पॉसिबल ही नहीं है ये चीज अगर आप सात्विक साधना कर रहे हो तो आपको वैसा फल मिलेगा अगर आप तामसिक साधना कर रहे हो तो आपके सामने वैसी ही एंटिटी प्रकट होंगी चाहे आप कुछ कर लो चंड भैरव का प्रागट्य हुआ और उन्होंने अपने एक हाथ में अपना हाथ काट कर उसमें लविंग रख दिया उनके गुरु ने बोला था कि जब वे स्वयं चंड भैरव आपका रक्तपान करें वो भोग के साथ तभी आपको मांगना है उनसे वरदान तो भगवान ने भोग ग्रहण किया उनके रक्त से भीगा हुआ जो सिनेमन था वो उन्होंने ग्रहण कर लिया खा लिया रक्तपान कर लिया और इसके बाद उन्होंने पूछा मांग पुत्र क्या चाहिए मैं प्रसन्न हुआ गुरु ने आदेश दिया था कि जब तक चंड भैरव तीन बार आपसे ना पूछे तब तक वरदान नहीं मांगना है चंड भैरव ने पूछा उन्होंने आंसर नहीं दिया बालकनाथ जी ने वो अपना मंत्र जब करते रहे करते रहे करते रहे तीन बार जब उनको पूछा गया तब जाकर बालकनाथ जी ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आगे से जब भी मैं आपका आह्वान करूं जब भी मैं आपको बुलाऊं तब आप यहां पे प्रकट हो जाना मेरे समक्ष और बाबा ने तथास्तु कहकर उनका वो अंतरध्यान हो गए अदृश्य हो गए इस तरीके से चंड भैरव उन्हें सिद्ध हो गए दूसरी दिन की सुबह आई उनके गुरु आए शमशान में और जो शिष्य के ऊपर उनका जो प्रसन्न चित्त था उनकी जो मुख मुद्राएं थी वो देखकर ही उन्हें पता चल गया था कि चंड भैरव इनको सिद्ध हो चुके हैं गुरु ने कहा कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है काम तो अभी शुरू हुआ है चंड भैरव के बाद आपको सिद्ध करने हैं कपाली भैरव कपाली भैरव भी अष्ट भैरव आठ भैरव के स्वरूपों में से एक भैरव है बहुत ही ज्यादा उग्र स्वरूप चंड भैरव से भी उग्र स्वरूप उनकी साधना 40 दिन तक चलेगी ये उन्होंने कहा 30 दिन के बाद उनको खप्पर में हर रोज वो रखते थे मदिरा मध्य पात्र मध्य पात्र में मदिरा यानी कि अल्कोहल भर के रखते थे और बहुत सारा नैवेद्य उनको चढ़ाना होता था गुरु ने बोला था कि जब तीस दिन खत्म होंगे तब प्रेत आकर जो भैरव बाबा के जो गण होते हैं वो आकर सारी चीज़ें ग्रहण करेंगे मध्य पात्र में से आपको डरना नहीं है आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की जाएगी ये भरपूर कोशिश होगी कि आप अपने साधना को बीच में छोड़कर भाग जाओ यहाँ से ऐसी ऐसी आवाज़ें आएगी आपको कि आपका हृदय बैठ जाएगा लेकिन डरना नहीं है मैं आपके साथ हूँ एज अ गुरु गुरु के तौर पर मेरा कवच आपके साथ है मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ मैं आपको जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही तीस दिनों के बाद ये सारी चीज़ें शुरू हो गई और जो आखिरी के दस दिन थे उसमें भैरव के गण आते थे, थे और जो अल्कोहल मदिरा का जो मध्य पात्र रहता था और जो भोग उन्होंने उनको उन्हों धराया जाता था वो चट कर जाते थे खा जाते थे पूरा आखिरी दिन आया आखिरी दिन पे जब कपाली भैरव का प्रागट्य होने वाला था उनकी एक कंडीशन ये रहती है शास्त्रों के मुताबिक कि कपाली भैरव जब प्रगट होते अपने खप्पर के साथ कपाल के साथ उस कपाल के अंदर जो साधक रहता है जिन्होंने उनकी साधना की है उनको एक ही बार में पूरा कपाल पूरा पात्र भर देना है मदिरा से अल्कोहल से अगर नहीं भरा गया थोड़ी सी भी पात्र में जगह रह गई अगर वो पात्र छलका के पूरा नीचे वो गिरा गिरा नहीं नहीं मदिरा मदिरा उसमें से से पात्र में से, बाहर निकल कर गिरा नहीं नीचे तो कपाली भैरव क्रोधित हो जाएंगे गुस्सा हो जाएंगे और अपने ही खड़क से साधक का गला काट देंगे ओ इतनी उग्र साधना रहती है पूरा फुल चाहिए एकदम ऊपर तक बिल्कुल तो उनको पता लग गया था बालकनाथ जी को कि ये आसान तो नहीं रहने वाला ये चीज़ बहुत ज्यादा मुश्किल होंगी अगर मैं जरा सा भी मैंने चूक करी तो मेरे तो जान गई समझो उन्होंने आखिरी दिन की साधना से पहले यानी कि कपाली भैरव के प्रागठ्य से पहले चंड भैरव को बुलाया जिनको पहले सिद्ध कर लिया था उनसे वरदान मांगा कि आप मुझे एक ऐसा पात्र दो जिस पात्र में मदिरा कभी खत्म ही ना हो hmm. और चंडरव ने उनको कलश के आकार का एक पॉट जैसा कलश के आकार का एक पात्र दिया मदिरा पात्र और बोला कि आप इस पात्र में से जब मदिरा आप डालोगे पात्र के अंदर कपाली भैरव के खप्पर के अंदर इसमें से मदिरा खाली ही नहीं होगी कभी आप जितना चाहोगे उतना आप उडेल पाओगे साधना शुरू हुई और मंत्र इंटेंस इंटेंसिटी के साथ पूरा मंत्रोच्चारण हो रहा था उनका जैसे जैसे आगे बढ़ बढ़ता गया टाइम वैसे वैसे कपाली भैरव का प्रागट्य का समय भी नज़दीक आता गया और सडनली आउट ऑफ द ब्लू बिजली के कड़ाकों के साथ और इतना ज़्यादा शमशान के अंदर अंधेरा उतर आया था मान लो कि पूरे ब्रह्मांड का जो अंधेरा है जो डार्कनेस है वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो गई है ऐसे सिचुएशन के अंदर कपाली भैरव का प्रागट्य हुआ उनका स्वरूप एकदम लाल उनकी आंखें अंगारे जैसी यह स्वरूप वास्तव में शास्त्रों में ऐसा ही दिया गया है कपाली का होने के बाद, उन्होंने भोग मांगा खप्पर आगे धरा और जैसे ही खप्पर आगे धरा गया साधक यानी कि बालकनाथ समझ गया कि अभी इनको भोग देना है उन्होंने चंड भैरव का दिया हुआ पात्र कलश आकार के पात्र जो उन्होंने चंड भैरव से वरदान में मांगा था वो उठा के मदिरा डालना शुरू किया उस पात्र के अंदर मदिरा जैसे जैसे वो डालते जा रहे थे कपाली भैरव के मुख के ऊपर एक स्मित आ गया तो मुस्कुरा दिए पता चल गया उन्हें बिल्कुल क्योंकि कोई सामान्य साधक का ये काम हो ही नहीं सकता कोई भी तुच्छ इंसान उनके पात्र को भर पाए इतनी कैपेबिलिटी इतनी क्षमता किसी में नहीं होती वे समझ चुके थे कि ये पात्र जो बालकनाथ को दिया गया है वो जरूर चंड भैरव ने ही दिया है और इसी रीजन से उनके चेहरे के ऊपर एक आ गया वो प्रसन्न हो गए हुआ जब ये पूरा जब वो मदिरा का उन्होंने उड़ेल दिया तब पूरा वो पात्र भर गया और उन्होंने अपना पान शुरू किया मदिरा पान शुरू किया मदिरा पान आगे बढ़ता गया उतने में वहां पे एक बकरा लाया गया था बलि के हेतु और उस बकरे के ऊपर मंत्र जब करते करते बालकनाथ जी ने अपना रक्त काट अपना हाथ काट दिया और उस बकरे के ऊपर छिड़का गया रक्त उसकी बूंदें छिड़की गई और जैसा ही जैसे ही भगवान कपाली भैरव ने मदिरा पान खत्म किया तुरंत ही वैसे जो बकरे बकरे को रक्त छिड़का गया था उनको वो पूरा ऐसे खा गए वो बकरा ऐसा सिकुड़ गया कि मान लो उसके अंदर मीट है ही नहीं मांस है ही नहीं। स्केलेटन बन बिल्कुल उनको खा लिया गया था पूरा अंदर से तो ये क्रिया खत्म हुई उसके बाद कपाली भैरव ने पूछा उनसे वत्स मैं प्रसन्न हुआ हूँ आपके साधना से क्या महचा है आपकी आपकी क्या डिज़ायर आपकी क्या इच्छा है मैं आपको क्या दे सकता हूँ वरदान में तो ये चीज़ें उन्होंने पूछा और उन्होंने कहा कि जब भी मैं आपका आह्वान करूँ जब भी मैं आपको बुलाऊँ अपने पास आमंत्रण देकर आपको प्रकट होना है और, और मेरा काम करना है उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा ये क्रिया खत्म हुई तीसरा दिन आया जब क्रिया के बाद का दिन आया उदयनाथ जी आए उनके गुरु आए और पता चल गया कि चलो कपाली भैरव भी उनको सिद्ध हो चुके हैं अभी आखिरी क्रिया और करनी थी और आखिरी क्रिया थी कर्णाभिशाचिनी को सिद्ध करना था और कर्णाभिशाचिनी को भी ऐसे ही तरीके से सिद्ध किया गया आई नॉट गो इन द डिटेल्स क्योंकि वापस बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन वो इनसे ज्यादा इनसे ज़्यादा तीव्र साधना नहीं रहती है कर्णाभिशाचनी की जो साधना थी उनकी वो इक्कीस दिन की थी और तुरंत खत्म हो गई और बहुत ही ईजिली खत्म हो गई कर्णाभिशाचिनी उनको सिद्ध हो गई और जब उन उन्होंने पूछा बालकनाथ ने उदयनाथ को कि गुरु जी ये चंड भैरव कपाली भैरव का तो समझ में आ रहा है कि इनको सिद्ध क्यों करना है लेकिन कर्ण पिशाचनी को क्यों सिद्ध करना है इनका क्या हेतु है तब उन्होंने कहा कि कर्ण पिशाचनी को इस प्रयोजन के साथ सिद्ध करना है कि जब आप अपना प्रतिशोध ले रहे होंगे तब आपकी शत्रु के साथ जो भी घटनाएं घट रही होंगी चंड बहरा और कपाली भैरव उनके साथ जो कुछ भी कर रहे होंगे वो आपके पास कोई तो होना चाहिए जो आपको कान में आकर माहिती दे आपको इन्फॉर्मेशन आके दे जाए क्योंकि आप तो वहां पे प्रकट नहीं रह पाओगे इस वजह से उनको पिशाचनी को सिद्ध करना था पिशाचनी किस दिन के बाद सिद्ध हो गई उनको